नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। ये फटाफट अंदाज में देखते हैं 30 खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले में नियमित जमानत दी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उन्हें 10 लाख रुपए के मुचलके और 2 जमानत राशियों पर जमानत दी है। कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध मानने से इनकार किया। सांसद संजय झा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उत्तर बिहार में रेल नेटवर्क विस्तार और यात्री सुविधाओं के सुधार के लिए 19 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। संजय झा ने कहा कि उत्तर बिहार में रेल नेटवर्क के विस्तार की मांग को गंभीरता से लेते हुए रेल मंत्री ने विचार करने का आश्वासन दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम 19 सितंबर से बांग्लादेश के खिलाफ शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के लिए शुक्रवार को चेन्नई पहुंची। यह सीरीज मुख्य कोच गौतम गंभीर और गेंदबाजी कोच मोर्ने मार्केर के लिए पहली टेस्ट सीरीज होगी। पहला मैच एम चिदंबरम स्टेडियम में और दूसरा 27 सितंबर से कानपुर में खेला जाएगा। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए विपक्षी पार्टी राजद ने 18 सितंबर 2024 से सदस्यता अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान की शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद द्वारा की जाएगी। इसके लिए पार्टी ने भव्य तैयारियां की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की टिप्पणियां अक्सर चर्चा में रहती है। जयशंकर से स्विट्जरलैंड में पूछा गया ब्रिक्स क्यों। जयशंकर ने जवाब दिया कि ब्रिक्स का गठन इसलिए हुआ क्योंकि G7 जैसे क्लबों में विकासशील देशों को शामिल नहीं किया गया था। ब्रिक्स देशों ने अपनी वैश्विक भूमिका को मान्यता दिलाने के लिए ये समूह बनाया। NSE ने निवेशकों को चेतावनी दी है कि कुछ ठग बाजार बंद होने के बाद कम कीमत पर शेयर देने का झांसा दे रहे हैं। इन जलसाजों द्वारा सीट ट्रेंडिंग अकाउंट के नाम पर ठगी की जा रही है और जो हाम्ब्रो नामक व्हाट्सएप ग्रुप के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। निवेशकों को इस तरह की धोखाधड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण के तहत नया आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ऑनलाइन जमाबंदी में गलती होने पर ऑफलाइन कागजात दिखाने पर सर्वे पूरा किया जाएगा। इस पहल से जमीन संबंधित विवादों को कम करने और रिकॉर्ड को अधिक पारदर्शी बनाने की उम्मीद है। CPIM नेता सीताराम येचुरी का निधन 12 सितंबर को हो गया था। उनके परिवार ने एम्स दिल्ली को उनके पार्थिव शरीर को दान में देने का निर्णय लिया है। इस दान से उनके शरीर का उपयोग छात्रों की पढ़ाई और रिसर्च के लिए किया जाएगा। आलिया भट्ट की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर जिगरा के लिए फैंस की उत्सुकता चरम पर है जिसमें वे वेदांग रैना की बहन का किरदार निभा रही हैं। फिल्म का टीजर जबरदस्त हिट हुआ है और दर्शकों को एक बड़ा सरप्राइज मिलने की उम्मीद है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कड़ा हमला बोला है। उनकी सरकार की नाकामी को उजागर करते हुए कहा कि नीतीश का इकबाल जो है खत्म हो चुका है। तेजस्वी ने अपराध की स्थिति पर क्राइम बुलेटिन जारी करते हुए सरकार की विफलताओं की ओर इशारा किया है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है जबकि यूपी राजस्थान बिहार में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सीएम नीतीश कुमार पर लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को वीडियो प्रस्तुत करना चाहिए जो उनके आरोप को साबित करे। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी को अपनी छवि पर ध्यान देने की जरूरत है। तो भोजपुरी स्टार पवन सिंह को गुरुवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय से आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 4 मामलों में जमानत मिल गई है। पहले 7 सितंबर को भारी भीड़ के कारण उनकी उपस्थिति टल गई थी लेकिन गुरुवार को उनकी आगमन की सूचना गुप्त रखी गई थी। पवन सिंह ने अदालत परिसर में आत्मसमर्पण कर जमानत ली। सुप्रीम कोर्ट OBC सूची विवाद पर 30 सितंबर से पहले सुनवाई कर सकता है। बंगाल सरकार ने अपील की है कि उच्च न्यायालय के फैसले के कारण आरक्षण प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। BSNL ने अपने सस्ते रिचार्ज प्लान और आगामी 4G और 5G सेवाओं के साथ टेलीकॉम बाजार में नया हंगामा मचा दिया है। सरकार ने BSNL को पुनः सशक्त बनाने के लिए हजारों नए मोबाइल टावर लगवाने की योजना बनाई है। अगले साल की पहली छमाही में BSNL की 4G सेवाएं पूरे भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है।
बिहार कैबिनेट की बैठक में जदयू विधायक गोपाल मंडल को राज्य मंत्री का दर्जा देने की स्वीकृति मिल गई है। राज्य मंत्री बने मंडल ने भागलपुर में एनडीए कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद कहा। इस मौके पर उन्होंने भागलपुर में धांधली की शिकायत करते हुए कैबिनेट मंत्री बनने की मांग की है। मणिपुर सरकार ने इम्फाल घाटी के 5 जिलों में 3 दिन से लागू इंटरनेट प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटा दिया है। अधिकारियों के अनुसार ब्रॉडबैंड सेवाओं पर से पाबंदी केवल कुछ नियमों और शर्तों को पूरा करने के बाद हटी है। शुक्रवार को इस निर्णय की जानकारी दी गई है। मेगा ऑक्शन के साथ क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक और बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात टाइटंस का मालिक बदलने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो टीम के भविष्य पर बड़ा असर पड़ सकता है। प्रशांत किशोर ने बयान दिया कि जनसुराज की सरकार बनने पर बिहार में शराबबंदी खत्म कर दी जाएगी, जिससे सरकार को 20,000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान होता है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमी कॉन इंडिया 2024 के उद्घाटन के दौरान भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की प्रतिबद्धता जताई। ग्रेटर नोएडा में आयोजित इस एक्सपो के माध्यम से केंद्र सरकार सेमीकंडक्टर क्लस्टर के विकास को तेज करने का लक्ष्य रख रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 19 सितंबर से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में होगा। इस सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 27 सितंबर से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। जसप्रीत बुमराह इस सीरीज में एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड स्थापित कर सकते हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजद नेता तेजस्वी यादव को परिवार के साथ दुबई छुट्टियां मनाने की अनुमति दे दी है, जबकि वे सीबीआई केस में आरोपी हैं। इस फैसले से तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू यादव को 18 सितंबर तक कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय रेलवे ने त्योहारों के मद्देनजर श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक सप्ताह में 2 बार और कटरा से वाराणसी तक 1 बार विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। अदानी ग्रुप और हिडनबर्ग रिसर्च के बीच विवाद जारी है, जिसमें हिडनबर्ग ने स्विस अधिकारियों द्वारा 31 करोड़ डॉलर की राशि जब्त किए जाने का दावा किया है। अदानी ग्रुप ने इन आरोपों को आधारहीन बताते हुए खारिज किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने महंगाई दर में नरमी के बावजूद नीति निर्माताओं से दृढ़ रहने की अपील की है। उन्होंने संकेत दिया है कि वे पॉलिसी में बदलाव को लेकर जल्दबाजी के पक्ष में नहीं है। भारतीय रेलवे में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आरआरबी एनटीपीसी के पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया कल 14 सितंबर से शुरू करेगी। आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक रेलवे की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। विस्तृत जानकारी और अपडेट के लिए कैंडिडेट्स rrbcdg.gov.in पर जा सकते हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर पीयूष चावला ने हाल ही में रोहित शर्मा की कप्तानी की तारीफ करते हुए कहा कि वे केवल कप्तान नहीं बल्कि एक सच्चे लीडर भी हैं। चावला ने खुलासा किया कि रोहित ने एक बार देर रात उन्हें टीम के बारे में मैसेज भी भेजा था। दिल्ली मेट्रो ने अपने टिकट सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है, जिसमें पारंपरिक टोकन की जगह अब QR कोड लेना होगा। स्मार्ट कार्ड की तरह अब एक नया मल्टीपल जर्नी QR टिकट भी पेश किया गया है, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। भारतीय पैरा दल ने पेरिस ओलंपिक में ऐतिहासिक सफलता हासिल करते हुए 29 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण 9 रजत और 13 कांस्य शामिल है। इस उपलब्धि के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान खिलाड़ियों ने उनकी सराहना करते हुए कहा कि वे उनके परम मित्र हैं। अयोध्या के राम मंदिर में अक्टूबर से शिखर निर्माण शुरू होगा, जिसमें सभी संबंधित एजेंसियां शामिल होंगी। प्रथम तल पर राम दरबार के निर्माण की तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में इन पहलुओं पर चर्चा की गई है। आज के लिए बस इतना ही। कल जिन लोगों ने हमारे पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है सपना कुमारी, जाहिद शेख, संजीव कुमार, सपना कुमारी, जितेंद्र ठाकुर, दीपक कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, राजेश कुमार, राम बाबूदास, आशीष सैनी, मोहम्मद अरमान, रवि शंकर, बाबूलाल मरांडी, राजा कुमार, नौशाद रजा, जावेद अख्तर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर, और आज का सवाल है, आपके इलाके में सड़क की स्थिति कैसी है? इसका जवाब आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।